दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ वोकैब और फ्रेजेस लेके आया हूँ जो आपके इंग्लिश को और भी इम्प्रूव कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है डिलीवर ऑन वर्ड। डिलीवर ऑन वर्ड का मतलब होता है टू फुलफिल अ प्रॉमिस, यानी कि वादे को निभाना। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू लाइड टू मी एंड डिंट डिलीवर ऑन योर वर्ड, यानी कि तुमने मुझसे झूठ बोला और अपने वादे को नहीं निभाया। यहाँ पर मैंने डिलीवर ऑन वर्ड का यूज किया है। वर्ड का मतलब यहाँ पर शब्द से नहीं, वादे से है। अगला देख लेते हैं। अगला हमारे पास है टाइम क्रंच। टाइम क्रंच का मीनिंग होता है क्विकली अप्रोचिंग डेडलाइन। इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टाइम व्हेन यू मस्ट मेक अ डिसीजन, यानी कि यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट समय होता है जब आपको कोई डिसीजन लेना होता है, क्योंकि आपकी जो डेडलाइन होती है, जो समय सीमा होती है, वह आपके बहुत ही करीब आ रही होती है, बहुत ही तेज़ी से आपके करीब आ रही होती है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो वहाँ पर आप डिस्क्राइब करने के लिए टाइम क्रंच का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कंप्लीट द प्रोजेक्ट एज सून एज पॉसिबल एज वी आर अंडर टाइम क्रंच। अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अगला है स्क्रू समवन ओवर। स्क्रू समवन ओवर का मतलब होता है टू पुट समवन इनटू ट्रबल, यानी कि किसी को मुसीबत में डाल देना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू स्क्रूड मी ओवर, तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया। यू स्क्रूड मी ओवर। अगला देख लेते हैं। अगला है ऑन द लूज। ऑन द लूज का मतलब होता है इफ अ पर्सन और एनिमल इज ऑन द लूज, दैट पर्सन और एनिमल इज फ्री टू मूव अराउंड एंड हार्म अदर्स। यानी कि ऑन द लूज का यूज आप वहां पर करते हैं जब कोई व्यक्ति या जानवर आजाद होता है घूमने के लिए, इस तरह से कि वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, तो उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम ऑन द लूज का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द क्रिमिनल इज ऑन द लूज, अपराधी आजाद है, यानी कि वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और आज का जो लास्ट है वो है डबल क्रॉस। डबल क्रॉस का मीनिंग होता है टू डिसीव और बिट्रे समवन, यानी कि किसी को धोखा देना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डायमंड थीफ डबल क्रॉस्ड हिज पार्टनर्स एंड गेव देम वर्थलेस फेक ज्वेल्स, यानी कि जो डायमंड चोर था उसने अपने पार्टनर्स को धोखा दिया, डबल क्रॉस किया, और उनको एक वर्थलेस यानी कि महत्वहीन एक फेक मतलब नकली ज्वेल्स उन्हें दी। आई होप दोस्तों कि आपको यहाँ से कुछ एडवांस्ड चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आप इसी तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर इंग्लिश सजवान को फॉलो करें। फेसबुक पर भी हमारा पेज है, आप इंग्लिश सजवान को उसमें फॉलो करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।